कैसा लगा पीछे बैठ के? कितने व्यूज थे इस वीडियो पे? चलो लाइक्स बता दो। 10K। चलो भाई So, hey guys, welcome back to the channel and welcome back to another episode, guys. आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि यार इस गाड़ी को एक और बार कॉलेज ले जाओ और कॉलेज रिएक्शन बनाओ, तो आपकी रिक्वेस्ट हम पूरी ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी सबसे पहले हम कर लेते हैं गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट, पापा भी यहीं पे हैं, तो जय श्री राम, सब कुछ सही से हो। चलो भाई बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आती है भाई सुबह सुबह, तो कसम से बहुत ज़्यादा। सुन रहे हो भयंकर कितनी लाउड है? बाकी लुक्स देख लो भयंकर क्या ही खतरनाक आते हैं, एक तरफा बिल्कुल। बाकी एग्जॉस्ट के बारे में तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे, आज मैं एग्जॉस्ट के बारे में तुमको बताऊंगा कि क्या एग्जॉस्ट है, क्या सीन है इसका। बाकी यार जब तक इसका कोल्ड स्टार्ट हो रहा है, हम लोग रख लेते हैं अपने बैग में टिफिन और ग्लव्स कहाँ हैं। चलो भाई जब तक हम ग्लव्स पहनेंगे तब तक इसका कोल्ड स्टार्ट भी हो जाएगा। उल्टे पहन रहा हूँ मैं ग्लव्स। चलो बाकी पापा को भी कर देते हैं बाय बाय। चलो भाई निकलते हैं और तुम लोगों को मिलते हैं हम सीधा रास्ते में। सो भाई आ चुके हैं हमारी वीडियो की क्यूट गर्ल सामने से खाते पीते। ओ भाई ये खाते पीते आती है, उस दिन बच गई है, उस दिन बिना खाते पीते आ रही थी, उस दिन इसको पता था कि वीडियो बन रही होगी, आज इसको पता नहीं था। ये क्या मेन्यू लेके आई है? हैं मेन्यू किस चीज़ का? हैं मेन्यू किस चीज़ का ये? पता नहीं नया खुला है कुछ। तो भाई अब हम लोग थोड़े से ऐसे एरिया में पहुंच चुके हैं जहां पे हमको कुछ रिएक्शंस मिल सकते हैं, तो मैंने सोचा एग्जॉस्ट के बारे में बताने से पहले आपको कुछ रिएक्शंस दिखा दिए जाए। अरे हाय यहाँ मिलेंगे ना रिएक्शंस। पर पता है यार मैं ना रिएक्शंस के लिए ज़्यादा रेव नहीं करता, जो मैं रिएक्शंस ले रहा हूँ ना वो मैं अपनी ड्रेस कोड के ऊपर ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कॉलेज की ड्रेस में हूँ और कॉलेज की ड्रेस इन बाइक्स के साथ थोड़ा सा यूनिक फील होती है। और जब वैसे मैं रिएक्शंस लेता हूँ तो वो भी लेता हूँ मैं राइडिंग गियर्स पे, क्योंकि काफ़ी अलग सा काफ़ी यूनिक सा कंसेप्ट दिखता है कि मतलब बंदा पूरे राइडिंग गियर्स पहन के जा रहा है तो अलग सी लुक आती है, प्रेडेटर सी बिल्कुल भयंकर। तो बस ज़्यादा रेव नहीं करता मैं, थोड़ा बहुत देखो इतना तो चलता है, अब इतना नहीं करेंगे तो फिर काहे के लिए लिए है सुपर बाइक। अरे हाय अरे भाई खतरनाक रिएक्शन मिल गया। अबे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों के मुंह पे हंस दे रहा हूँ नहीं। अबे यार तो यार अभी हम लोग आ चुके हैं मेन रोड में और यहाँ पे थोड़ी सी ठीक ठाक चलाएंगे आज, क्योंकि अब मेरा हाथ काफी हद तक बैठ चुका है इस गाड़ी पे, पर तब भी ज्यादा ओवर स्पीड नहीं करेंगे, रैश ड्राइव नहीं करेंगे, तमीज से चलेंगे। आपको भी मजा आए, हमको भी मजा आए और हमारे घर वालों को भी देखने में मजा है, ज्यादा टेंशन ना हो। चलो भाई यहाँ से ले लेते हैं हम ऊपर, हालांकि थोड़ा सा रिस्क है यहाँ से ऊपर जाने में, बट स्टिल जाएंगे, रिस्क है तो इसके। बाकी यार आप लोग पूछ रहे थे इसमें एग्जॉस्ट कौन सा लगा है, तो यार इसमें लगा हुआ है एक कस्टम एग्जॉस्ट। और इसकी सबसे यूनिक बात बताई क्या है, ये एग्जॉस्ट खुद में इतना यूनिक है कि ये दुनिया में किसी भी और गाड़ी में इंस्टॉल नहीं हुआ है, मतलब जीनोसो के अलावा और किसी गाड़ी में इंस्टॉल हुआ होगा, बट आज तक ये एग्जॉस्ट किसी ने भी जीनोसो में इंस्टॉल नहीं कराया है। तो हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया नहीं पूरी दुनिया में एग्जॉस्ट सिर्फ इस बाइक में लगा है जो कि है अपने पास गरुड़, जो कि मेरी बाइक है और हम सबकी बाइक है, ठीक है। और अगर तुम लोगों को एग्जॉस्ट चाहिए यार तो देखो करोल बाग में थोड़ा बहुत सर्च कर लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पे रैंडमली चलते हुए शॉप पे देखा था तो मुझे दिख गया था अब, बट क्वालिटी का मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो खैर जिसने ही बनवाया है उसने बहुत देख दाख के बनवाया है और बहुत प्यारी साउंड है इसकी, बहुत सूदिंग साउंड है।
बाकी यही था यार अपना एग्जॉस्ट, आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी बट यार उस वीडियो में कुछ इश्यूज़ आ गए, वो वीडियो मैंने कल डालनी थी बट अब मैं उसे नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि उसके ऑडियो में कुछ इश्यूज़ आ चुके हैं। बाकी यार चलते हैं हम लोग कॉलेज और बनाते हैं बढ़िया सा रिएक्शन, कमेंट वगैरह भी करके बताना कि कैसी लग रही है आपको वीडियोज़ और क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, क्या कुछ करना है। बाकी यार सब चीज़ों के लिए ना, मतलब इतने सपोर्ट के लिए, इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच यार, हर एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा है उसको थैंक यू सो मच। तो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज वाले रूट पे और यहाँ पे तो भाई अब मुंडिया पलटनी शुरू होगी क्योंकि यहाँ पे हमको गाड़ी थोड़ा सा खोलने का मौका मिल जाता है और बिना रेफ किए मिल जाते हैं हमको रिएक्शंस। देखो रिएक्शंस, तिरछी नजरों से देख रही थी दीदी। पता है इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइम लिटरली मैं अपना सपना जी रहा हूँ यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं कॉलेज सुपर बाइक से कभी जा पाऊंगा, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं सोचा था, ये तो पता था कि एक दिन लूंगा बट ये नहीं पता था कि कॉलेज में मेरे को मिल जाएगी। अरे भाई इट इज सच अ हेड टर्नर यार, मजा आ गया भाई। अब तो खैर देखो मेरे को भी काफी ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं फेल सकता हूँ गाड़ी थोड़ी बहुत लेकिन फिर भी मैं लिमिट में ही चल रहा हूँ। चलो भाई इसका थोड़ा सा पेट भर देते हैं पहले फिर चलते हैं कॉलेज। चलो भाई इसका पेट तो भर गया, वैसे तो इसमें पेट्रोल था, काफ़ी पेट्रोल था, मतलब फुली थी टंकी बट एक डंडा कम हुआ था ना, वो चुभ रहा था मेरे को। तो मैंने कहा डला देते हैं और इसका काम कराते हैं फुल। मेरे को चुभता है यार बड़ा, मतलब हल्की सी पेट्रोल की सुई नीचे आती है ना, मेरे को लगता है कि भाई चलो वापस भराओ इसको। चलो भाई चले, नहीं जाता शांति से कैसे ले जाऊं, चीज ही ऐसी है। हाय हाय भीड़ देखो यहाँ, आज ये आज भी पीछे पीछे ही आई है। चलो भाई चलो भाई पहुंच गए हम कॉलेज। आज मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा कॉलेज के अंदर भी काफी सीन दिखाऊं कैसा है। ये हमारी है पार्किंग, चलो भाई हम लोग चलते हैं अब कॉलेज के अंदर, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और तुम्हें मिलते हैं हो सकता है ब्रेक में या छुट्टी में, बाकी तुम्हें दिखाता हूँ आज कॉलेज में हम लोग कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो अभी हमारा यार ब्रेक चल रहा है तो मैंने सोचा इन लोगों को तब तक मैं बाइक दिखा दूँ, इन लोगों ने देखी नहीं थी। रेडी रेडी इन लोगों ने देखी थी, जिद कर दी थी। क्या हो गया? यारी पार्किंग में थोड़ी है, दूसरी पार्किंग में, यहाँ पे थोड़ी खड़ी कर रहा हूँ, जा भाग के जा। देख रहे भाई बाइक देखने की एक्साइटमेंट, वो रही सामने कोने में खड़ी करता हूँ मैं, उस पर अलग बोरी बोरी
जीरो इट शशांक गरुड़ दिया ठीक है रुक जा रुक जा ओवर एक्टिंग की औलाद अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह जैसी ही नहीं बनेगी वो तो ज्यादा करती है गाड़ी गर्म है गाड़ी गर्म है कोल्ड स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा आ जा कैप्चर करूंगा जल्दी आ जा वहां पे लाइट नहीं थी शक्ल अच्छी नहीं आई मुझे बोलियो इतनी भी वो नहीं है भाई आवाज़ ना पता है पार्किंग में बहुत ज्यादा लग रही है इतनी नहीं है पार्किंग में बहुत ज्यादा है यार तूने रिएक्शन नहीं दिया यार चलो बता दे एक्टिंग कैमरे में आ गया होगा इसका दिल धक धक हो रहा है बवाल चीज है ना बवाल चीज है बे साला सिस्टम मिल जाता है एक चैलेंज देता हूँ मां सीपी में जाके हल्का सा डांस करके दिखा दे ओ भाई ये तो सही में चली गई रुके 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 सर एक बार हमारी क्लास भी देख लो तुम लोग क्या मस्त क्लास है मुन्ना भाई MBBS वाली अरे हाय हम कहाँ बैठते हैं गैस करो हम बैठते हैं ये रहा ये रही मेरी सीट जब तक मैं कॉलेज आता हूँ तब तक सारी सीट भर जाती है आगे ये ऐसी बात नहीं तो जाता ही ये बेस्ट सीट है भाई यहाँ से व्यू दिखाओ तुम्हें कैसा आता है इधर से ये देखो क्या ही तगड़ा व्यू आता है भाई We don't need an explanation, buddy. You are out. Except the 7 cards. इसका उनो कॉट हो गया यार अरे भाई तुम्हें जिसको खेलना आता होगा ना वो समझ रहा होगा क्या हुआ अभी चलो भाई चलो 1 hour later भाई हमारा फर्स्ट विनर है यहाँ पे ये सेकंड कौन आया था मेरा मत डालो ये सेकंड थर्ड कौन आया ये थर्ड और बाकी सारे गए तेल लेने सबसे अच्छा गेम टेस्ट का था अबे भाई चलो आप तो मिलते हैं छुट्टी में अब रात खेलेंगे तो भाई लोग और प्यारी प्यारी गर्ल्स हमारी छुट्टी हो चुकी है और अभी हम निकल रहे हैं कॉलेज से कोल्ड स्टार्ट मैंने पहले कर लिया था वरना कोल्ड स्टार्ट में टाइम जाता है चढ़ा दो ऊपर बाय आ जाओ बाहर मिलते हैं चलो भाई हाँ जी भाई जी क्या हाल चाल हो रहे चलो मिलता हूँ मैं फिर ठीक है ओके लो मज भाई आ
हाय हाय यार, पता ऐसा ही बता रहा हूँ, इस गाड़ी को ना मैं कहीं भी ले जा लूँ, बट लिटरली बता रहा हूँ यार, कॉलेज में लाने का ना मजा ही लगे यार, कसम से। आए 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 आए, कपड़े गंदे होंगे यार, बारिश हो चुकी है वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आजा चलो भाई, अभी अपने साथ बैठने वाली है सृष्टि। मुझे गिरा है। ना ना, नहीं गिराऊंगा, आराम से चलूंगा। अरे भाई, इसके रिएक्शन तगड़े आ रहे जाते हैं। तुषार को बिठा लूं? तुषार को बिठा लूं? जाते हैं? तू जाती है ना गाड़ी चलानी? आ जा, ये चला लेगी ना। चलो भाई, अब है तुषार की बारी पीछे बैठने की। आ जा भाई बैठ। कैसा लगा पीछे बैठ के? क्यों तेरा एक्सपीरियंस कैसा था भाई? बढ़िया बढ़िया, अभी तो खोली नहीं मैंने गाड़ी। इसके टाइम में ना ढाल आ गई थी, इसको ना पुल फील नहीं हो पाया। इनको बोल दे भाई, इनको बोल दे कर दो। कितने व्यूज थे इस वीडियो पे? चलो लाइक्स बता दो। 10K? चलो भाई 10K लाइक कराने तुमने अब। तो भाई इनको ब्रूम ब्रूम सुनना है एक बार। बाकी आसपास देखो, कोई ऐसा घर वर नहीं है तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। अपार्टमेंट से वहाँ तक तो आवाज जाएगी नहीं। कर स्टार्ट कर कर। मेरे मुंह पे आया उसको। बैठ लो। कैसी चला लो? चलो भाई। ओके मेरे भाई, मिलते हैं। ओके ओके, मुझे टैग मार दिया इंस्टाग्राम पे। ओके भाई, ओके भाई। देखो भाई, ये रैप था ऑन डिमांड, ठीक है? तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं भाई, इतना रैप क्यों करा पब्लिक एरिया में? सब बच्चे खड़े थे, उन्होंने बोला भाई रैप, तो रैप करा। सो भाई लोग, अभी हम घर पहुंच चुके हैं, और बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक तो बनता है, और
लाइक करोगे तो सब्सक्राइब भी कर ही देना यार। बाकी देखो तुम लोग अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हें बहुत बढ़िया एक खतरनाक सी बात बताने वाला हूँ। ये है मेरी मम्मी की स्कूटी, स्कूटी पेप, और सीरियसली मतलब ये इतनी छोटी गाड़ी और मैं इतना बड़ा सा। अगर तुम लोग इस वाली वीडियो पे, जो पिछली वीडियो हमारी उस पे आए थे हमारे 12,000-13,000 कुछ लाइक, अगर इस वीडियो पे 15,000 लाइक आते हैं तो आई बेट ये गाड़ी मैं कॉलेज लेके जाऊंगा, वो भी पूरे राइडिंग गियर्स में, नी गार्ड्स, राइडिंग शूज़ तो नहीं पहन पाऊंगा यार, चलो राइडिंग गियर्स नहीं पहन पाऊंगा, बट हाँ पूरा सब कुछ ऐसे पहन के सेटअप करके ये गाड़ी को मैं कॉलेज ले जाऊंगा और इस पे बनाएंगे रिएक्शन। लिटरली बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स हो जाते हैं तो स्कूटी में लेके जाऊंगा, और 15,000 लाइक्स होनी चाहिए अंडर 6 डेज। ओके, 6 डेज का टाइम मेरे हिसाब से बहुत है, अगर हो गए तो इसको लेके जाएंगे। बाकी ये है अपनी गरुड़ यहाँ पे खड़ी हुई है, और आज की वीडियो में यार बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक ठोक देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। हम लोग मिलते हैं ऐसे किसी तगड़े से मोटर ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। Damn.